तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे गेहूं के बारे में। गेहूं की बिजाई शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों हमारे किसान भाइयों का कहना है कि अगर गेहूं की किस्में 2 से 3 मिक्स कर बिजाई करते हैं तो हमारा जो यील्ड है वो ज़्यादा आता है, हमारा उत्पादन बढ़ता है। तो दोस्तों क्या ऐसा सचमुच में होता है, हम इसी पर आज बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो HD2851 है वो ज़्यादा हरियाणा में लगती है, और हरियाणा के जो किसान हैं वो HD2851 और HD3086 को मिक्स करके बिजाई करते हैं, और उनका कहना है ऐसा करने से उनका जो यील्ड है वो बढ़ता है। दोस्तों मैंने क्या किया कि एक ट्रायल लगाया, पिछले साल मैंने HD3086 भी बीजी थी और HD2851 भी बीजी थी, और HD2851 और 3086 मिक्स कर भी बीजी थी। हरियाणा के किसान क्या करते हैं कि वो 60 से 70 kg HD2851 गेहूं लेते हैं और 10 kg उसमें HD3086 गेहूँ मिक्स कर देते हैं। तो दोस्तों मैंने भी वैसा ही किया, मैंने भी 60 से 70 kg HD2851 ली और उसमें 10 kg HD3086 को मिक्स कर दिया। तो दोस्तों जब हमने अंत में देखा तो यील्ड में हमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं लगा, क्योंकि HD2851 और मिक्स का यील्ड एक जैसा था, कोई खास फर्क नहीं लगा। तो दोस्तों हम ऐसा नहीं है कि हम गेहूं का बीज मिक्स करके नहीं बीज सकते। हम जो ज़्यादा यील्ड वाली किस्में हैं जैसे HD3086 को WH1105 से वैरायटी के साथ मिक्स करके बीज सकते हैं, और दूसरा HD3086 को HD2967 के साथ मिक्स कर बिजाई कर सकते हैं, और अगर हम थोड़ा सा लेट बिजाई करते हैं तो हम 173 DBW 173 और HD2851 को मिक्स करके बीज सकते हैं। DBW 173 HD3086 और HD2851 को मिक्स कर बीज सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, हम कभी भी HD2967 या PBW 725 को HD2851 के साथ मिक्स कर नहीं बीज सकते। इसका कारण ये है कि जो HD2851 है वो एक लेट वैरायटी है, और जो PBW 725 या HD2967 है वो लेट वैरायटी नहीं है। इसलिए हम ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी, ये बहुत बड़ी गलती होगी। और दोस्तों जो यील्ड है, जो किसान वीर कहते हैं ना मिक्स करके हमारा जो यील्ड है वो बढ़ जाता है। तो दोस्तों हमने धान की कटाई भी की है, जो किसान वीर कपास की खेती करते हैं उसने कपास की चुगाई भी कर ली है। तो दोस्तों हमने देखा कि किसी भी एकड़ का एक साथ यील्ड नहीं आया। किसी खेत में हमारा 1 क्विंटल धान का यील्ड बढ़ गया, किसी में कम हो गया। तो इसी प्रकार ही कपास में हुआ है, और इसी प्रकार ही हमने हमारी जो गेहूं की किस्म है इसमें भी ऐसा ही होता है, किसी खेत में बढ़ जाती है, किसी खेत में इसका यील्ड कम आता है। तो दोस्तों इस बात का जरूर ध्यान रखना। और जो तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि कौन कौन से गेहूं की किस्म हम मिक्स कर बिजाई कर सकते हैं और कैसा हमारा यील्ड आता है। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।